जब खेतों में चलते हैं हल तो थालियों को मिलता है बल। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। आप जानते हैं किसान भाइयों कि कृषि दर्शन के अंक में हम अपने कई साथियों के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं, लेकिन आज संजोग से देखिए अभी तक कोई पहुँचे नहीं हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। भूमि संरक्षण विभाग निर्धारित अनुदान पर दे रहा है कृषि उपकरण। कृषक पाठशाला से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। कृषि कार्यों में उपयोगी है खुरपी। राज्य के किसान अपना कृषि उत्पादन बढ़ाकर लाभान्वित हो सके, इसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना के तहत राज्य के कृषकों को निर्धारित अनुदान पर उपकरण मुहैया कराए जाते हैं। खेती बाड़ी में किसान कृषि उपकरण की सहायता लेकर अपनी मेहनत को दोगुनी कर लेता है, जिससे वह कृषि उत्पादन अधिक से अधिक कर पाता है। परंतु सभी प्रकार के कृषि उपकरण आमतौर पर कृषकों की पहुँच से दूर होते हैं, इसलिए भूमि संरक्षण एक योजना द्वारा योग्य किसानों को निर्धारित अनुदान पर बहुत तरह के छोटे बड़े उपकरण देती है। किसान अपने कृषि कार्यों में नई और वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल कर अपने उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ाकर लाभान्वित हो सकते हैं। इन नई वैज्ञानिक पद्धतियों को कृषकों तक पहुंचाने के लिए संस्था आत्मा कृषक पाठशाला चला रही है। समय के साथ कृषि क्षेत्र में भी पैदावार बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का विकास होता रहा है, लेकिन सबसे जरूरी है इन तकनीकों का किसानों तक पहुंचना, तभी इन खोजी गई तकनीकों की सार्थकता होगी। इस काम को संस्था आत्मा बखूबी कर रही है। आत्मा राज्य के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चला रही है, जिसमें किसान के खेत में प्रायोगिक तौर पर इन विधियों द्वारा खेती करने की शिक्षा कृषकों को दी जाती है। पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला और आंध्र ज्योति, ये नाम है मिर्च के उन्नत प्रभेदों के। मसाला के लिए मिर्च के इन प्रभेदों को लगाकर कृषक अच्छी उपज पा सकते हैं। मई से लेकर जून तक मिर्च की आगात बुआई के लिए उपयुक्त समय है। मिर्च लगाने के इच्छुक किसान के लिए कृषि विशेषज्ञ पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला और आंध्र ज्योति किस्में लगाने की सलाह देते हैं। इन प्रभेदों का बिचड़ा मई जून में गिराकर जून से जुलाई तक इसकी रोपनी कर दें तथा उचित कृषि कार्यों द्वारा मिर्च की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। टमाटर की फसल में पानी की प्रचुरता के बावजूद पौधे मुरझा गए हों और जड़ें काली पड़ गई हों तो ये मलानी रोग के लक्षण हैं। ये रोग फसल पर ना लगे, आइए जानते हैं इसकी तकनीक। मलानी रोग टमाटर या अन्य फसलों में ना लगे, इसके लिए गर्मी में खेत की 15 से 18 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर खेत को खुला छोड़ देना अच्छा होता है। इसके अलावे फसल लगाने से पहले खेत की तैयारी के दौरान गोबर खाद के साथ करंज की खल्ली का इस्तेमाल लाभप्रद होता है। साथ ही त्रिवर्षीय फसल चक्र अपनाकर भी इस रोग से बचा जा सकता है। खेतों बगीचों में काम आने वाला एक सामान्य सा परंतु बहुत ही उपयोगी यंत्र होता है खुरपी। इस यंत्र की सहायता से बगीचों में अनेक तरह के छोटे मोटे कामों को आसानी से किया जा सकता है। इस छोटे से यंत्र को खुरपी कहते हैं। यह आमतौर पर 10 इंच का होता है। इसमें आगे धारदार फाल लगा होता है तथा पीछे पकड़ने के लिए 5 इंच का हथौड़ा लगा होता है। यह उपकरण मिट्टी कोड़ने, पलटने इत्यादि के काम में आता है। दिखने में सामान्य तथा छोटा यह उपकरण उतना ही उपयोगी है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियां पिछले सप्ताह के भावों पर ही टिकी रही। जैसे चावल मोटा अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर, गेहूं 1600 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों तेल 10300 रुपए के हिसाब से बिका। वहीं सब्जी बाजार में हरी सब्जियों के दामों में थोड़ी नरमी रही। वैसे कुछ खास अनाजों के आज के भावों पर नजर डाले तो वे इस प्रकार रही।
चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2550 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए, चना न्यूनतम 5100 रुपए से लेकर अधिकतम 5300 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए पर बिका। और अब एक नजर राज्य के चार प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के चार प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, ये थे खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ खबरें, कुछ समाचार और कुछ जानकारियाँ। आपने देखी मंडी से जुड़ी हुई, भाव से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, मौसम के बारे में जानकारी हासिल किया और साथ में कई तकनीकी जानकारियाँ भी कृषि समाचार में आपने देखी। कृषि दर्शन के आज के अंक में अभी और भी जानकारियाँ हैं शेष, लेकिन उसके पहले ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी दर्शकों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आप इस समय जो खरीफ की फसल है उसकी तैयारी जरूर कर रहे होंगे, लेकिन साथ में आपकी जो गेहूं की फसल है आपने उसको जरूर अपने अपने खेतों से काट करके अपने खलिहान पर रख लिया होगा। तो आप गेहूं की इस फसल की अब आगे सुरक्षा कैसे करेंगे, कैसे इसका भंडारण करेंगे, कैसे इसकी दौरी करेंगे, इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्या क्या सावधानियां इसके लिए बरतनी चाहिए, कौन कौन से तैयारियां करनी चाहिए ताकि आपके भंडारण में किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं हो, चलिए इन तमाम बातों की जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम से। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज आलम जी। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि गेहूं की कटाई तो हो चुकी है, लेकिन क्या ये समय उपयुक्त है कटाई के लिए? देखिए, ऐसा है कि जो किसान भाई समय पर गेहूं लगाए होंगे जी, तो उनकी, मेरे समझ से उनकी कटाई 10-15 दिन पहले पूरी हो गई होगी जी। लेकिन झारखंड में मैंने पाया है कि जो किसान भाई लेट से गेहूँ लगाते हैं, क्योंकि खेत उनका खाली नहीं हो पाता है, वो लेट से खरीफ फसल की जो हार्वेस्टिंग कटाई करते हैं, यानी मान लीजिए धान उन्होंने लेट लगाया जी, तो देर से धान पकी है उनकी, और जब धान पकती है तब उसके बाद उनका खेत खाली होता है और उसके बाद तब जाके गेहूं फसल की वो बुआई करते हैं जी। यानी इस प्रक्रिया में ये जो गेहूं के बुआई का समय है वो करीब करीब दिसंबर के अंत तक चला जाता है जी। तो जब दिसंबर के अंत में जब गेहूँ लगेगा तो उसके पकने का समय अब जाके पूरा होगा। अच्छा। जो कि अब मेरे ख्याल से पक कर करके खेतों में तैयार हो रही होगी और किसान भाई को चाहिए
कि अब इसकी कटाई यथाशीघ्र कर लें। और हमारे किसान भाई काटने के लिए भी सोच रहे होंगे। हाँ, तो अब काटने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि क्या उनकी फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है जी। इसकी जांच कर लें, उसके बाद वो फसल की कटाई करें। तो जांच करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप खेतों में जाएं, गेहूं के दानों को अलग करें पौधों से जी। और उसको दांत के नीचे दबाएं। अच्छा। आपको एक कट की ध्वनि आवाज़ मिलेगी। अच्छा। अगर ये कट की ध्वनि आपको खेत से मिल रही है जी, 10-12 जगह से ऐसा करके देख लें, तो आप समझ लें कि आपका फसल जो है पक कर तैयार हो गया है और आपको यथाशीघ्र खेत से फसल को काट के हटा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके गेहूं के दाने खेतों में ही पक करके और गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी पैदावार आपको घर में मिलना चाहिए था उतनी पैदावार आपको नहीं मिलेगी जी। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि हमारे किसान भाइयों को ये तो पता चल ही चुका होगा कि गेहूं फसल पक के तैयार हो गई है, लेकिन इसकी काटने की विधि क्या होती है, वो कैसे गेहूं को काटें? हाँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गेहूं को काटा कैसे जाए जी, और काटने का समय क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समय क्या होना चाहिए जी। बिल्कुल। तो जैसे कि किसान अगर गेहूं की कटाई के बारे में सोच रहे हैं तो वो जो समय चुने वो सुबह का समय चुने जी। तो सुबह का समय मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुबह के रात भर जब खेत में फसल खड़ी रहती है जी, तो आजकल जो है ओस गिर रहा है। अच्छा। और ओस से जो है वो गेहूं का जो फसल की जो डंठियां हैं वो मुलायम हो जाती हैं। अच्छा। और जब किसान उसको काटने जाएंगे तब क्या होगा कि उनको काटने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जी। और अभी आप देख रही हैं कि धूप भी बहुत बढ़ रहा है जी। तो अगर 10 और 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद किसान भाई खेत में जाएंगे तो धूप का भी उनको सामना करना पड़ेगा, और तब तक क्या है कि डंठल जो है सूख करके पूरे हार्ड हो जाते हैं। अच्छा। उससे उनके हाथ छिलने के संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह 5 बजे अगर हो सके तो 5 बजे खेतों में चले जाएं और काटने की जो प्रक्रिया है वो 7-8 बजे तक आप ख़त्म कर लें, या फिर शाम को भी जा सकते हैं। या फिर शाम में भी जा सकते हैं। नहीं, शाम में मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि शाम में टहनियाँ सूखी रहेंगी। अच्छा। दिन भर जो धूप के बाद जो मैंने वोस की बात करी थी वो शाम में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप सुबह में ही कटाई करें, वो सबसे उपयुक्त समय होता है। और उस समय काटने के दौरान हिलने डुलने से जो दाने झड़ के गिरते हैं जी, उसका संभावना कम हो जाता है। अच्छा। इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम में कटाई करें जी। डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई ये गेहूं काट लेंगे तो उसकी दौनी कैसे करेंगे वो लोग? हाँ, अब है कि कटाई के बाद जो जो प्रक्रिया रहती है दौनी की, यानी दौनी को ऐसे समझ लीजिए कि गेहूं के फसल से दानों को अलग करना जी। एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा जी, कटाई के संबंध में। मैं आप उस समय थोड़ा सा मैं भूल गया था जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जोड़ना चाहूँगा। मैंने देखा है कि किसान भाई जब गेहूं की कटाई करते हैं तो क्या करते हैं कि जो बालियां हैं, अच्छा, बालियों को ऊपर से तोड़ लेते हैं और पूरी फसल को खेत में छोड़ देते हैं, यानी जो उसके डंठल है उसको खेतों में छोड़ देते हैं। ये तो मैंने भी देखा है। तो ये गलत है जी। ये गलत है। और फिर क्या करते हैं कि जब वो बालियां तोड़ लेते हैं उसके बाद जो डंठल बच गए खेत में उसको आग लगा के नष्ट कर देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये डंठल जो है आपके पशु के लिए बहुत अच्छा आहार के रूप में काम करता है, इसलिए आप ऊपर से न तोड़ें बल्कि जमीन से सटा कर काटें। जो डंठल से जो भूसा बन के तैयार होगा उसको आप चाहे तो पशु को आहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दोनों काम हो जाएगा और जला देने से तो कुछ फायदा नहीं होता है। रह गई अब आ जाते हैं दौनी पर जी। तो जब आप दौनी के लिए, अब तो देखिए बहुत से यंत्र हमारे पास उपलब्ध हैं, किसान के घर में भी उपलब्ध हैं, बिजली से चलने वाले हैं, हाथ से चलाने वाले हैं। अगर छोटे किसान हैं तो वो गेहूं को बिछा देते हैं और जानवर को उसके ऊपर से गोल गोल घुमाते हैं जी, या फिर डंटे से मार या कर डंटे भी उसको से पीट पीट कर करके झाड़ते हैं जी। तो जिस किसान के पास जिस तरह की क्षमता है उस हिसाब से वो इसकी दौनी कर सकते हैं और दानों को अलग कर सकते हैं जी। लेकिन दानों को अलग करके भूसे को आपको फेंकना नहीं है, उसको भी आप भंडारण करके रखिए ताकि जब आप ग्रीष्म काल में जब आपके बैल हैं, जो गाय हैं, उनके खाने के लिए एक पौष्टिक आहार मिल सके उनको जी।
तो डॉक्टर साहब, अब ये तो झाड़ने वाली बात तो हो गई, लेकिन जब हमारे किसान भाई ये झाड़ लेंगे तो फिर उसकी भंडारण वो कैसे करेंगे? हाँ, अब है कि भंडारण बहुत महत्वपूर्ण पाठ होता है जी। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि गेहूं के फसल में अक्सर किसान भाई को दिक्कत होती है कि जो गांव में बनाते हैं भंडारण करने के लिए जो घर जी, तो कोठी बोलते हैं उसको ना जी। तो कोठी में क्या होता है कि उसको डाल देते हैं और जब अगली साल जब गेहूं को वहां से निकालते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे छोटे 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 कीड़े उसमें लग गए हैं। अच्छा। और आपके गेहूं फसल को बर्बाद कर। अच्छा, बहुत से किसान भाई है कि बोरी में भी डाल के रखते हैं। हाँ, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक दो सावधानियां यहां बताना चाहूंगा कि भंडारण से पहले जब आप दौनी करके दाने को अलग कर लें तो भंडारण से पहले आप करें कि गेहूं के दानों को धूप में 2 से 3 दिन तक आप सुखा लें बढ़िया से। अच्छा। ताकि नमी उससे एकदम बिल्कुल हट जाए। और जो ये धूप में सुखाएंगे तो इसमें करीब करीब नमी की मात्रा जो है वो 8 से 10% के बीच में आ जाती है। अच्छा। और तब उसका भंडारण करें, नंबर एक। नंबर टू, जिस जगह में भंडारण करना है आपको उस जगह को अच्छे से आप झाड़ लीजिए, साफ कर लीजिए। हो सके तो एक लेप लगा लीजिए, अगर मिट्टी का घर है तो मिट्टी का लेप लगा लीजिए और तब उसमें भंडारण करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई केमिकल भी आता है? मैं बता रहा हूँ। अब है कि अब जैसे कोठी को आपने साफ कर लिया, अब उसके अंदर गेहूं को आप डालिए। अगर देहात में किसान भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से दवा उनके घर में ही उपलब्ध है और वो है नीम की पत्ती। अच्छा, करंज की पत्ती। तो नीम की पत्ती और करंज की पत्ती को आप सुखा लीजिए और गेहूं के दानों के बीच बीच में आप डालते चले जाइए, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया दवा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं मिल रहा है तो अब एक दवा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं दवा के प्रयोग के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसान भाई कम से कम दवा का प्रयोग करें ताकि उनके स्वास्थ्य को हानि ना पहुँचे। तो अगर कीड़े का आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा, मेरा फसल नुकसान हो सकता है, तो अब मार्केट में एक दवा आई है EBD। अच्छा। उसका नाम है EBD। वो एक एम्पल रहता है, एक सुई जैसा रहता है प्लास्टिक के, इसमें तो जैसे आपने कोठी में धान भरा, बीच में एक EBD के कैप्सूल को आप डालिए और उसको तोड़ दीजिए। अच्छा। तोड़ करके फिर उसके ऊपर गेहूं डाल दीजिए, तो क्या होगा कि उसमें से अब एक गैस निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे वो गैस निकलेगी और ये गैस धीरे धीरे निकल करके जितने भी उसमें अंदर जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े हैं वो सबको नष्ट कर देगी जी। तो EBD का प्रयोग करें और मेरे ख्याल से इससे भंडारण करेंगे तो आपको आपकी फसल जो है बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगी जी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दे, और किसान भाइयों आपको तो पता चल ही चुका होगा कि गेहूं काटने के बाद उसकी भंडारण आप कैसे करेंगे और कौन कौन सी विधि अपनाएंगे इसके लिए। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। किसान भाइयों, अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अम्मा, खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाइयों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में भी हम लोगों ने चर्चा की कि अभी खरीफ का मौसम चलने वाला है, तो अभी खरीफ के मौसम में कुछ दलहनी किस्म की जो खेती होती है वो भी ज़रूर आप कर रहे होंगे। तो आज अभी चर्चा करते हैं दलहनी खेती के बारे में, खरीफ दलहनी खेती के बारे में, कि इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती आप किस प्रकार करेंगे, क्या क्या सावधानियाँ इसके लिए बरतनी चाहिए, और इसमें जो उन्नत खेती की बात हम करते हैं वो क्या है, कौन कौन सी खेती है जो दलहन की किस्में हैं जो उन्नत हैं, इनको कैसे लगाना है, क्या क्या इसके लिए सावधानियां बरतनी है, इन तमाम बातों की जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं, जहाँ की डॉक्टर नीरज कुमार हैं, कनीय वैज्ञानिक पौधा प्रजनन विभाग से,
जो कि बताएंगे किस प्रकार से खरीफ दलहनी फसल की सफल एवं वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले, डॉक्टर साहब आप यहाँ आए हैं इसके लिए आपका बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें बताएं कि हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से दलहनी फसल में, दलहनी मौसम में कि कौन कौन सा फसल का उपजाया जा सकता है। किसान भाइयों खरीफ मौसम में हम मुख्यतः तीन दलहनी फसल लेते हैं। एक तो अरहर लेते हैं, दूसरा उड़द लगाते हैं और मूंग लगाते हैं। इन तीनों फसलों की खेती झारखंड में हम करते हैं और ये बड़ा ही उपयुक्त समय आ गया है जब हम खरीफ फसल की खेती की तैयारी शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब आप अभी बताएं कि कौन कौन से फसल इसमें लगाए जाएंगे खरीफ मौसम में। जी। तो अब बताइए ग्रीष्मकालीन में जुताई में से क्या क्या फ़ायदा होता है और ये क्यों आवश्यक है। जी हम लोग हमेशा किसान भाइयों को सलाह दिया करते हैं कि अप्रैल मई महीने में, खास करके मई महीने में अगर आप गहरी जुताई खेत की करें तो इससे दो तीन फायदे हैं। एक तो आपके जो खेत में जो खरपतवार है उसका, जो बरसात का मौसम है उसमें आना कम हो जाता है, साथ ही साथ अभी कीड़े मकोड़े भी नष्ट हो जाते हैं जो ज़मीन के अंदर वो छुपे होते हैं और जब आप फसल लगाते हैं उस समय वो अटैक करते हैं तो इनका भी कम हो जाता है प्रभाव। इसलिए जब भी मौका मिले, क्योंकि आप खरपतवार निकालना निकाई गुड़ाई से इन दिनों काफ़ी महंगा होता जा रहा है, तो कोशिश ज़रूर ये करें कि जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही थोड़ी बारिश होती है, आप ट्रैक्टर से या हल से मिट्टी को एकदम से उलट के छोड़ दें और जब फिर आप नज़दीक आएँ, जून के नज़दीक में जब आपको बुआई करनी हो तब फिर उसको फाइनली आप खेत को तैयार करें, दो तीन बार हल्की जुताई करें, पाटा लगाएं, ये सब करें। तो ये बड़ा ही आवश्यक कार्यक्रम इन दिनों हो गया है। जी अच्छा आप बोल रहे थे खेत का जुताई के बारे में। जी तो एक चीज़ है कि खेत का चुनाव हमारे किसान भाई कैसे करेंगे, कौन सा खेत इसमें उपयुक्त होगा इस मौसम के लिए, उसके बारे में थोड़ा मैं किसान भाई को बताएं। किसान भाइयों दलहनी फसल के लिए जैसा हम सभी जानते हैं कि जो ऊपरी ज़मीन है, टाँड ज़मीन है, वही उपयुक्त होता है खरीफ दलहनी के लिए, क्योंकि जो भी दलहनी फसलें हैं उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो हम ऐसे खेत का चुनाव करते हैं जहाँ पे जल जमाव ना हो, जहाँ पे जल का निकास बड़ी आसानी से हो जाता हो, क्योंकि अगर जहाँ कहीं भी खेत में ज़्यादा बारिश हो गई और वहाँ पे जल जमाव हो गया तो पौधे गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और पौधों की सही संख्या खेत में नहीं होने से उपज क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो इसका ज़रूर ख्याल करें कि जब चुनाव करें तो मध्यम और निचली ज़मीन दूसरे अन्य फसलों के लिए रहने दें। जो दलहनी फसल है झारखंड की उसके लिए आप ऊपरी ज़मीन का ही चुनाव करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे कि फसल के बारे में, तो फसल तो अब लगेगा ठीक है, लेकिन हमारे किसान भाई ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सा किस्म है जो दलहनी फसल के लिए तो वो कौन सा उपयुक्त किस्म होता है, उसके बारे में बताएं। उपयुक्त किस्म जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सही किस्म का चुनाव हमारे किसान भाई कर लेते हैं तो उपज उनकी अच्छी मिलेगी, क्योंकि अगर किस्म का चुनाव गलत हो गया या उनके खेत के हिसाब से नहीं हुआ तो कितना भी वो लागत लगाएंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, उनको उपज अच्छी नहीं मिलेगी। हमने तीन फसलों का नाम लिया है, अरहर, उड़द और मूँग। जहाँ तक अरहर की बात है वहाँ तीन चार किस्में हैं अपनी अवधि के हिसाब से, इसमें भी जल्दी तैयार होने वाली किस्में होती हैं। अरहर में उपास 120, ये ऐसी किस्म है जो 130 दिन में तैयार हो जाती है। उससे आगे चलें तो बिरसा अरहर 1, ये करीब 190 दिन की फसल है, उसको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और उससे भी लंबी अवधि की किस्म है बहार, जो 230-240 दिन में कटकर तैयार होती है। और उसके अलावा NDA-1 हुआ, मालवीय अरहर 13 हो गया। तो ये सारी किस्में अरहर की किस्में हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और संकर अरहर की भी किस्में हमारे यहाँ लगनी शुरू हुई हैं। ICPH 2671, ये संकर अरहर है जो हमारे प्रदेश में अच्छा कर रही है, हमारे किसान भाई इसका भी चुनाव वो कर सकते हैं। अब मैं उड़द पे आता हूँ। उड़द में दो बड़ी अच्छी किस्में हैं हमारे प्रदेश के लिए, बिरसा उड़द 1 और पंत यू 19 और बिरसा अरहर 1। ये दोनों किस्में बहुत ही अच्छी किस्में हैं जो करीब 70-75 दिन में तैयार हो जाती हैं। और अगर किसान भाई अभी से अपने इन किस्मों का इंतजाम शुरू कर दें, उनको मिल जाता है तो उन्हें बहुत बढ़िया उपज आएगी। अब मैं मूंग पे आता हूँ। पूसा विशाल मूंग की हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी किस्म है जो करीब 65 दिन में तैयार होती है। साथ ही साथ अगर आप SML 668
SML668 भी आप अपने यहाँ लगा सकते हैं ये खरीफ में, तथा ये जो अभी फरवरी मार्च में जो हम मूंग लगाते हैं उसमें भी ये किस्म बहुत बढ़िया करती है, इसमें बीमारी कम आता है। तो इन किस्मों को हमारे किसान भाई नोट कर लें और अभी अपने खेत के हिसाब से जितना उन्हें लगाना है किस्मों को वो अपने सोर्स से, अपने सही माध्यम से अपने पास उसको खरीदने की चेष्टा करें। जी, एक चीज़ सुनने में आता है डॉक्टर साहब कि राइबोजियम कल्चर, जी ये जो, हाँ जी, ये जो है इससे हमारे किसान में क्या फ़ायदा होगा इसका अगर उपयोग करते हैं तो? राइजोबियम कल्चर हम खास करके दलहनी फसल में प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, इन दिनों जो लैब होता है उसमें ये जीवाणु हम लोग उसकी संख्या बढ़ा करके उसको पैकेट में डाल करके बेचते हैं, और इससे फ़ायदे ये हैं कि जो वातावरण में नाइट्रोजन होता है उससे आप अपने अगर बीज का उपचार कर देते हैं तो वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है वो आपके पौधे की जड़ों के आसपास, क्योंकि दलहनी फसल जो होती है उसके पौधे की जड़ों में गांठ होता है जो जो नाइट्रोजन है उसको उसमें फिक्स करता है, वहाँ पे लाता है। तो अगर आप राइजोबियम कल्चर आप इस्तेमाल करते हैं, बीज को उससे उपचारित करके लगाते हैं, तो ये जो वातावरण से नाइट्रोजन का आपके पौधों तक आने का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी होता है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, आपका जड़ जो है उसका विकास अच्छा होता है और अंततः आपको उपज ज़्यादा मिलती है। तो राइजोबियम कल्चर सभी दलहनी फसलों में, और ये मैं बता दूं कि कल्चर जो होता है वो अलग अलग आता है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग आता है, तो ये उसी तरह से चुनाव करें, अरहर उड़द और मूंग के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर का पैकेट मिलता है, उसे वो खरीदें और उपचार करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको लगाने का सही तरीका क्या है इस विधि के द्वारा? हाँ, इसको उपचारित करने के तुरंत बाद लगाने की ज़रूरत है, और आप अगर पूछ सकते हैं कि कैसे उपचारित करेंगे, तो करीब आधा एकड़ खेत में अगर जो बीज लगता है, जैसे कि रहर का उदाहरण लेते हैं, हम 8 किलो एक एकड़ में हम रहर लगाते हैं, बीज दर जो है 8 किलो है, तो उसका आधा एकड़ का मतलब 4 किलो बीज हुआ, उसको एक पैकेट से हम उपचारित कर सकते हैं। और उपचार की विधि ये है कि एक पैकेट हम लेते हैं, आधा लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डालते हैं और उसमें उसको खौलाते हैं, और जब ठंडा हो जाता है तो उसमें राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट होता है वो उसमें मिलाते हैं, और मिलाने के बाद उस घोल से हम अपने 4 किलो बीज का उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद उसको छाये में सुखाने के तुरंत बाद हम उसको आधे घंटे तक छाये में सुखाते हैं और उसके तुरंत बाद नाली में उसको लगाते हैं। दलहनी फसलों में और ख़ास करके राहड़ में आपको मेड़ बनाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा पानी होने से भी नुकसान ना हो, और कम पानी अगर होता है तब भी नुकसान नहीं हो। और किसान भाइयों, आखिरी और बड़ी ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खरपतवार को आप ज़रूर निकालें, वो कीड़े मकोड़े को नहीं आने देगा, साथ ही साथ वो नमी अगर आप उसमें कुछ बिछा देते हैं, दो कतार से बीच में जो खाली जगह होता है उसमें अगर आप कुछ बिछा देते हैं, पुआल या सूखा पत्ता वगैरह, तो नमी को भी लंबे समय तक रखता है, साथ ही साथ वो खरपतवार को निकलने नहीं देता है। तो ये सब कार्यक्रम अगर आप करेंगे तो दलहनी फसल की अच्छी खेती आप कर पाएंगे आने वाले खरीफ मौसम में। जी, तो देखा किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारियाँ दी, और मुझे विश्वास है कि इनके बताए तरीके से हमारे किसान भाई अगर खेती करते हैं तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ हमें और डॉक्टर साहब को की तरफ से सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन के अंक में आज ये थी हमारी ओर से आपको दी गई थोड़ी थोड़ी जानकारी। हम चाहते हैं कि आपके पास जो जानकारियाँ हैं, आपकी जो समस्याएँ हैं और आपके जो सुझाव हैं वो भी हम तक ज़रूर पहुँचें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें खत लिखें। हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं, आप हमें खत लिखें, और खत लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, ये था कृषि दर्शन का हमारा आज का अंक, जिसमें हमने अपनी ओर से आपको ढेर सारी जानकारियाँ दी, और अब हमारी चलने की बारी है। तो चलिए, चलते चलते आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप पानी बचाइए, क्योंकि पानी है तो जिंदगानी है। इसी संदेश के साथ हमारी पूरी टीम को यहीं दीजिए अनुमति। नए अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जोहार।